पिताजी क्या करते हैं पिताजी नहीं है वो हम बहुत छोटे थे शायद साल के तभी गुजर गए यही खेती का ही काम संभालते थे दोनों लोग क्योंकि घर में और फिर कोई बचा ही नहीं था तो हम खेत में काटना ये सब हमारी अम्मा ही करती थी हाँ। कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि पिताजी हार्ट के पेशेंट थे वो तो उस वजह से क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा होता लड़की को काम जरूर आना चाहिए बचपन से थोड़ी सी बड़ी हुई उसे काम जरूर से खाना है तो वो करना पड़ता था हमें और एजुकेशन के मामले में मेरा गांव बहुत ही हिम्मत मतलब हम एक पहले बच्चे हैं जिसका नीट का एग्जाम क्लियर हुआ है ये लेकिन हम लोग के गांव में ऐसा होता है नीचे नेटवर्क नहीं आते, तो ऊपर छत पे रहना होता लेकिन जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरा बहुत पुराना था तो बारिश के टाइम पे उसकी छत गिरने लगी थी पर रात में कैसे क्योंकि नेटवर्क तो आता नहीं था तो छत पे जाके ना सर लाइट लाइट से टॉर्च रखते थे जय हिंद मेरा नाम है अलग पांडे और आज हमारे साथ हैं नीट 2023 की एक टॉपर छात्रा नाम है इनका पूजा कुमारी और एम्स रायपुर में इन्होंने एडमिशन ले लिया है एम्स रायपुर ये जाने वाली हैं पढ़ने के लिए नीट 2023 में इनके छः सौ अठहत्तर नंबर आए हैं ये रहने वाली हैं गाँव नौहाई की जो कि पढ़ता है हमीरपुर जिले के अंदर हमीरपुर जिले में गांव नौहाई से आती हैं इनकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है काफी मोटिवेटिंग स्टोरी है हर उस बच्चे के लिए जो नीट का एग्जाम दे रहा है बड़ा लक्ष्य साधने की कोशिश कर रहा है कैसा लग रहा है अभी अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है भूख तो नहीं लग रही <laughs> आपको एक डेढ़ घंटे से बैठा रखा है ना खाकर आए थे खाकर आए थे सबसे पहले सो नो हाई कहाँ पड़ता है और वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे आप सर पहले घर से राठाई टाउन है जहाँ से हमारी मतलब ट्वेल्थ जहाँ से हम पास आउट है तो वहाँ से बस ली क्योंकि या फिर ट्रेन वहाँ से नहीं है सर ट्रेन के लिए हमें झांसी जाना पड़ता जो कि काफ़ी दूर पड़ जाता तो फिर वहीं से बस ली और बस से डायरेक्ट नोएडा तो पूजा शुरू से शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ घर में कौन कौन थे सज्जन तो मतलब अगर बोले तो हॉस्पिटल में हुआ <laughs> ये आंसर अभी तक किसी भी बच्चे ने आके ये उत्तर आज तक नहीं दिया है चलिए बड़े की बात है पता चला मुझे हाँ तो घर पे कौन कौन है दादी पिताजी और मेरी अम्मा भाई और हम मम्मी को अम्मा बोलते हो तो ऐसा गांव में अम्मा पिताजी हम लोग को ऐसा ही सिखाया गया दादी को भाई

जब आप हुए थे तब क्या करते थे वो एग्रीकल्चर खेती करते थे खेती? किसान थे तो बचपन से काम कौन कर रहा है माता श्री हाँ और दादी थी पहले नहीं चली तो दादी क्या काम करती थी यही खेती का ही काम संभालती थी दोनों लोग क्योंकि घर में और फिर कोई बचा ही नहीं था तो आपके घर में जब आप पैदा हुए उस टाइम पे घर की कमान संभालती थी आपकी दादी और आपकी मम्मी नहीं पिताजी थे तब तो पिताजी थे दो तीन साल तीन साल उसके बाद दादी और और अम्मा हमारी क्या बात है तो नारी शक्ति की कहानी हुआ yes, क्या करती थी मम्मी और दादी खेती यस अब बाकी मतलब इतना ज़्यादा इनिशियली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो मजदूर भी उतने ज़्यादा नहीं लगा पाते थे हाँ। तो हम खेत में काटना वाटना ये सब हमारी अम्मा ही करती थी हाँ। तो वही जाती थी वही करती थी और पहले क्योंकि बताती हैं हमारी अम्मा दादी भी बताती थी कि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि पिताजी हार्ट के पेशेंट थे वो अच्छा। तो उस वजह से और फिर क्योंकि वो कर्ज तो चुकाना ही था फिर। और घर में सिर्फ दादी और अम्मा ही बची थी तो फिर घर पर सारी जितनी भी खेती है हम लोग की वो सब घर को ही करते थे पहले बटाई को नहीं देते थे बटाई। मतलब बटाई होता सर बाहर दे देते वो सब बाकी सब काम करते थे वो सिर्फ आधा अनाज जो भी होता है वो दे जाते घर पे दे देते बस और बाकी काम वाम वो सब वही लोग संभालते हैं घर किस की खेती होती थी खेती सब वो वेरी करती कभी गेहूँ की मटर भी हो जाता है और वो, वो सर की बरसात है या भी है हाँ आपकी स्कूलिंग सर <laughs> इनिशियल तो गाँव में ही हुई सरकारी से सर? विद्यालय मैं क्योंकि जब पिताजी तब हम इतने छोटे थे कि परवाया नहीं गया था और उसके बाद फिर हमें ऐसे ही मतलब मतलब ऐसी रोज बुआ थी पास में तो उनके यहाँ रहे और वहीं से जाते रहे बचपन आपका बुआ जी क्या बीतता है हाँ कभी घर पे कभी बैसा बचपन मतलब कभी बड़ी बुआ कि दर भी रहे थे हम एक साल फोर्थ तो में निचल पढ़ाई सर हमारी अच्छे से नहीं हुई मतलब के में एडमिशन तो हुआ था वही बीच वाली बुआ कि दर से

नहीं नहीं स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई उसके बाद, रेगुलर क्लास हुआ फोर्थ, ये कौन पढ़ाता था अम्मा या हमारे घर में कोई नहीं था बस स्कूल में ही पढ़ते थे बस घर पे होमवर्क जो मिलता था वो कर लेते थे और खेलते थे बस और घर के क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है लड़की को काम जरूर आना चाहिए बचपन से थोड़ी सी बड़ी हुई उसे काम जरूर से खाना है तो वो करना पड़ता था हमें काम क्या क्या सीखना पड़ता है भाई घर का जो काम होता झाड़ू पोछा खाना बनाना और हमारी जो पुआ है वहाँ पे गन्ने की खेती होती है तो वो गुड़ होना पड़ता तो वो करते थे हम थोड़ा बहुत से से कुछ है। नहीं लेके आए आयोजित नहीं है ना। हमारे घर की नहीं है पहले जब हम उनके यहाँ रहते थे तो बार बार। <laughs> गुड़ की बात कर रहे हो तो घर के काम सीखना शुरू कर दिया जब आप नौ दस वर्ष के थे तब से तो खाना बनाना आ गया था तब नहीं खाना बनाना आप सीख रहे थे हाँ भी आता है मुझे भी आता है <laughs> मुझे लगता है ये जो घर के कार्य हैं खाना बनाना हो गया साफ सफाई हो गई ये हर किसी को सीखना चाहिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर की लड़की सीखेगी या घर का लड़का सीखेगा दोनों को ही सीखना चाहिए क्योंकि ये सर्वाइविंग स्किल्स हैं आप कहीं रहोगे अकेले रहोगे तो आपको तो खुद का खाना बनाना पड़ेगा साफ़ सफाई कमरी करनी पड़ेगी जब मैं छोटा था तो हम और मेरी बहन में फैसला होता था कि वो झाड़ू लगाएगी और मैं पोछा उसको पोछा लगाने में बड़ा खराब लगता था क्योंकि बैठ के लगाना पड़ता है और खाना बनाने और बर्तन धोने में ये होता था कि वो कहती थी बर्तन हमने धोएंगे गंदा लगता है तो बोली खाना हम बनाएंगे बर्तन तुम दो हम थोड़े आलसी थे बर्तन धोने में वैसे भी बैल बुद्धि दिमाग तो लगता नहीं खाना बनाने में बहुत मेहनत लगेगी कहते थे हम बर्तन धुल दें तो मुझे लगता है घर के सारे कार्य करना सभी को आना चाहिए जिस जगह से आप आते हो इसमें यह होता है कि ऐसे गांव में कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव होता है कि आपको चूला चौका आना चाहिए घर का काम आना चाहिए और लड़की है तो क्या कर लेगी इसको पढ़ा के क्या फायदा हो जाएगा इनको अंत में जाके तो एक घर ही बसाना है शादी ही तो करनी है पर आप जैसे बच्चे जो होते हो ना पानी की बुलबुले की तरह ऊपर आ जाते हो ग्लास में सर हम लोग को ये, ये डायलॉग मिलते हुए थे हमारी नीट के प्रिपरेशन में कहते थे लोग एक एक लोग हैं तो उनकी नातिन है मतलब तो वो उसे भी नहीं पढ़ाती हैं और पोती को कह रही थी उसे रात में पढ़ाना अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में तो ये भेदभाव है तो वो कहती थी ऐसे देसी भाषा में का और बिन्नू के इतने पढ़ाई से करने तो वही गोबर कूड़ा है ये, बिन्नु तो ये, के करने तो गोबर कूड़ा है, है। तो हमारी अम्मा ने हमें आके बताया हमने कहा तो बता बड़ी अजीब समस्या है जैसे आप इस ऑफिस में देखो तो आपको ऐसा कोई भेदभाव दिखेगा नहीं महिला और पुरुष के बीच में होता हुआ लड़के और लड़कियों पर जैसे ही हम लोग गाँव की तरफ जाते हैं तो आज भी भेदभाव हो रहा है और मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि इस भेदभाव को बढ़ावा देने वाली होती है। yes, नाती को पढ़ा देते मतलब को, हाँ, और, इसको को तो है? हैं। और इसको तो क्या है और इसको तो क्या घर नहीं पढ़ाते बहुत ज्यादा पैसे नहीं है इसको बैठा देते ऐसा नहीं किया उन्होंने हमें भी पढ़ाया और उसके लिए मतलब इतना ज़्यादा थैंक यू बोलो दादी को अब तो है नहीं वो हमारे बीच में उतना ही काम है बस इनकी वजह से ही वापस चलते हैं फोर्थ फिफ्थ क्लास में अब तो घर का काम भी सीख गए हो आप है ना फोर्थ फिफ्थ क्लास में घर का, का काम सीख रहे थे उसके बाद पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा था वही स्कूल में ही पढ़ाई होती थी मेरी वैसे ट्यूशन व्यूशन लगी नहीं थी मेरी घर में भी कोई पढ़ाने वाला था नहीं ना ही मम्मी पढ़ी है ना ही दादी थर्ड क्लास तक ही पढ़ी थी

और एजुकेशन के मामले में मेरा गांव बहुत ही मत मतलब हम एक पहले बच्चे हैं जिसका नीट का एग्जाम क्लियर हुआ है पी एम बहुत सारे बच्चे गए हैं कोटा और लड़कियों को तो किसी को भी नहीं भेजा गया सिर्फ लड़कों को और वो लौट आए पैसे खर्च करके तो किसी का भी नहीं हुआ और हमें भी ये डायलॉग देते थे, थे लोग कि पैसे लगाने से तो निकल नहीं जाए ऐसे घर बैठे से निकल रहा है नीट बहुत है आप क्या ये सोच इतनी मजबूत कैसे है कि मैं लड़की को भी पढ़ाऊंगी जबकि आपके पड़ोसियों की तुलना में आपके गांव के लोगों की तुलना में आपकी दादी अम्मा दोनों नारी शक्ति के अंदर हाँ सर वो तो उनके ऊपर है और हमारी जिद क्योंकि हमारी शिक्षित नहीं जबकि वो लोग नहीं सर क्योंकि हमारी अम्मा जब पहले साल इतना ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर जब नीट की प्रिपरेशन की कि अगर नहीं हुआ इस साल मतलब इनिशियल तो पता नहीं क्या ही होगा मेरा घर पे ऐसे ज्यादा लोग ऐसे पढ़ने में कैसे थे <laughs> गधे थे सर गधे थे हाँ सर मतलब इतने ज्यादा वो नहीं थे ज्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे मेरे बस पढ़ती रहती थी पता ज्यादा करता नहीं है पता नहीं क्यों लोग गधे का ही हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कहता होगा मेरी क्या गलती है गधे थे पढ़ाई में <laughs> वो कहता होगा मेरी क्या गलती है मैं मेरे को तो स्कूलिंग भी नहीं मिली कभी इस बीच आपने सोचा था जीवन में क्या बनना है नहीं सर कोई पर्टिकुलर गोल नहीं था हमें कुछ पता ही नहीं था किसी ने बता दिया था पीएचडी जैसा कुछ होता है कहा कुछ अच्छा होता होगा पीएचडी क्या होता है नहीं पता था। उससे प्रोफेसर बन जाते हैं तो हमें अच्छा लगा हमने कहा यही करेंगे और आपके नंबर कैसे आ रहे थे 9, 10, 11, में? सर नाइन्थ की तो याद नहीं टेंथ में मेरी एटी थी और उसके बाद एलेवेंथ में फिर से खराब हो गई थी उसके बाद ट्वेल्थ में भी खराबी थी सेवेंटी कुछ फिर भी आपने में ठीक थे एवरेज एवरेज स्टूडेंट हो थे हाँ, hmm. तो उसके बाद फिर घर से ही चार महीने तक तो ट्वेल्थ के बाद कुछ नहीं तो किया कुछ कर कर मतलब सर हमें कुछ पता नहीं था किसी ने बोल दिया कि बी कॉम कर लो तुम जैसे सर हमारी जो भाभी हमने बताई बीस वाली बुआ है उनकी भाभी है तो उनकी बहन जो है थोड़े से अच्छी जगह है मतलब वहाँ पे नॉलेज होती है लोगों को अच्छे से उनकी जो लड़की थी वो कॉमर्स से पढ़ रही थी तो उन्होंने बता दिया हमें हमें ऐसा था कि हमें कुछ करना है बीएससी नहीं कर सकते उतना टाइम देंगे नहीं लोग कि बीएससी कर लो फिर एमएससी कर लो फिर पीएचडी कर लो देंगे नहीं गांव के लोग इतना टाइम कहेंगे बस बीएससी हो गई बहुत है <laughs> निकलो इधर <एदर> से <laughs> तो हमें कुछ ऐसा करना था जिससे कि लोगों को हो जाए कि हाँ इससे तो नौकरी पक्की और वो कहे ना आठ दस साल शादी के लिए <laughs> तो बस ऐसा कुछ करना था उन्होंने बता दिया हमने कहा ठीक है उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था एक तो हमने को उसके लिए ढंग से पढ़ाई तो की नहीं बस फॉर्म भर दिया दिल्ली में था उसका एग्ज़ाम तो गए भी लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई थी तो कॉलेज अच्छा मिलता नहीं तो वो नहीं किया हमने फिर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था सोचा जहाँ पास में वहीं पे कुछ कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो बी एम एस वगैरह कर लेंगे तो बस ऐसे गूगल से सर्च कर रहे थे तो एक दिन हमने वहाँ पर नंबर दिया रहता कॉलेज के बारे में हमने कॉल किया तो एक टीचर बोले उन्होंने कहा बेटा अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट का एग्जाम देना होगा बस तब से नीट के बारे में पता आपको चला आपको ऐसे पता चला नीट के एग्जाम के बारे में दिवाली हो चुकी थी दिवाली के बाद हमने स्टार्ट की नीट की मोबाइल वोबाइल नहीं चलाते थे क्या आप कुछ भी चलाते थे सर मोबाइल क्योंकि हम लोगों का जब ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ जब ये लॉकडाउन लगा तभी फिर घर में एक स्मार्टफोन आया था उससे पहले कोई स्मार्टफोन नहीं था में। में। दीरे दीरे में, घर में सन 2020 में फिर धीरे धीरे तक आपके गांव में सर पता था ना मैंने बताया लेकिन हम लोगों को पता नहीं था सर क्योंकि हम एक तो राठ में रहते थे हम लोग स्कूल में भी इतना ज्यादा नहीं बताया जाता था जैसे टीचर्स बता देते हैं तो ये जे जे भी हमें नीट के जब प्रिपरेशन कर रहे थे तभी पता चला कि जे जैसा एग्ज़ाम होता है तो यदि उस दिन फ़ोन पे वो, वो कॉलेज वाले आपको नहीं बताते कि नीट तो, की परीक्षा हो रही है तो हम यहाँ नहीं होते इस मतलब बीच आप बी भी, भी कर सकते थे बीएससी भी कर सकते थे हाँ और उस टाइम पे सर ऐसा था कि बीएससी के एडमिशन ही बंद हो गए थे होने बंद हो चुके थे उस कॉलेज में जो पास में है हमारे कॉलेज और फिर जैसे ही हमने नीट की ये आपकी जो कोचिंग है हमको पता चला फिर तो पता चला ये हाँ। सर हम कोचिंग ढूंढ रहे थे कि तो कोई कोचिंग मिल जाए यूट्यूब पर ही ढूंढ रहे थे हाँ। गूगल पे सर्च कर रहे थे तो एक दो कोचिंग देखी लेकिन अच्छा, फीस... आपकी फीसित तो और आपकी अंग्रेजी बड़ी खराब थी बचपन में हाँ वो अभी भी है इंग्लिश तो सुधर गई पर मैथ तो अभी भी हाँ लेकिन हाँ फिर उसके कम्पेयर में अभी अच्छी क्या बचपन के कम्पेयर नीट की परीक्षा के बारे में पता चला फिर फिर हमने सर्च किया तो एक दो कोचिंग देखेंगी लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा थी सर तीस हजार से तो कोई कम ही नहीं थी तो उतना हाँ ऑनलाइन में ही तो उतना नहीं कर सकते थे फिर मेरी जो बुआ की लड़कियां अभी साथ में आए वो भी उनको भी हमने बताया था सर तो वो भी देख रहे थे तो उन्हों को उन्हें ही मिली थी ये फिजिक्स वाला की कोचिंग उन्होंने ही हमें बताया फिर हमने यूट्यूब पर वीडियोस देखे और बस दूसरे दिन सब्सक्रिप्शन भैया को पहुंचाया रात यकीन बैच निकाला था सर आपने दो हज़ार इक्कीस वाला इक्कीस में हाँ।, हाँ तो बस वहीं से स्टार्ट करती हूँ ठीक फिर क्या फिर पढ़ाई की दिक्कतें भी बहुत नहीं चली मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ाई नहीं है अभी तक एकदम से सब कुछ क्योंकि उस टाइम पे सर ऐसा था आपके हिंदी मीडियम के बैचेस नहीं आ रहे थे उस टाइम पे जब हम ज्वाइन किए थे तो हम वही लिए थे जिसमें सर आप पढ़ा रहे थे फिजिक्स हाँ, तो, हाँ, तो उसमें आप पढ़ना चालू हाँ, तो आपको तो मेरी पढ़ाई समझ में भागता नहीं आप जैसा बच्चा जो जिसको नीट नहीं पता उसके लिए दिक्कत बहुत दिक्कत होती थी सर मतलब ऐसा लगता था कहा आ गए क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा आपने ट्वेल्थ तक क्या करते रहे लेकिन फिर भी लगे रहे धीरे धीरे हमने कहा समझ तो कभी तो आएगा गई और बस गणित आपकी खराब थी तो हाँ। फिजिक्स तौर समझ में नहीं आ रही होगी नहीं आ रही थी फिर भी मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल चलो ठीक है लेक्चर देख लिया जैसे तैसे दो घंटे का लेक्चर पता चला चार घंटे में हो रहा है और जैसे तैसे फिर डी के क्वेश्चन ही नहीं बनते थे बिल्कुल तो धीरे धीरे करते रहे कोशिश तो धीरे धीरे आने लगी समझ दिक्कत तो बहुत ज्यादा हुई इनिशियली पहली साल तो बहुत ज्यादा क्योंकि घर में अम्मा को भी नहीं पता था नींद के बारे में तो वो कहती थी का पकड़ रहा था <laughs> पड़ती रहती पहले सर हम दिन में पढ़ते थे लेकिन हम लोग के गांव में ऐसा होता नीचे नेटवर्क नहीं आते तो ऊपर छत पे रहना होता लेकिन जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरा बहुत पुराना था तो बारिश के टाइम पे उसकी छत गिरने लगी थी और कभी है? तो अम्मा को डर लगा कि अगर ये दिन भर पड़ती हैं और रात में भी दस ग्यारह बजे तक तो अगर गिरे दो तो तो पता चला सारी ना फूट जाए तो फिर वहां पे काम शुरू हो गया इसे सही तो करवाना पड़ेगा दिन में बहुत शोर होता इस वजह से फिर रात में हमने अपना से ड्यू सेफ्ट कर लिया फिर रात में ही पढ़ती पर रात में पर रात में कैसे क्योंकि नेटवर्क तो आता नहीं छतो छत पे जाके ना सर लाइट से टॉर्च रखते थे हम हाँ सर टॉर्च और उसके साथ साथ वैसा था वैसे जो सा, बल्ब जल जाता था और लाइट भी आ जाती थी छत हाँ, पे हाँ सर छत पे क्योंकि तो शाम फिर मजदूर तो चले जाते थे तब से फिर रात तो नहीं पढ़ने में नहीं पड़ता था नहीं फिर दिन में नहीं पड़ते दिन में

पढ़ते रहा ऐसे एग्जाम आया एग्जाम दिया अब क्योंकि सर नहीं चल प्रैक्टिस तो अच्छी हो नहीं पाई थी और वो भी तो एग्जाम बहुत लेट हो गया था उस साल दो में तो फिर भी हाँ फिर भी बहुत सारी मतलब हो गई थी थोड़ी बहुत ये एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए थे फिजिक्स के और हमारे प्रैक्टिस वगैरह सही थी इतनी सही नहीं थी सर लेकिन फिर भी फिजिक्स के कंपेयर में तो सही थी कितना चार सौ बीस आए थे सर फर्स्ट में फिर फिर घर पर बहुत लड़ना पड़ा अम्मा से <laughs> क्योंकि अम्मा हम हमें करने नहीं दे रही थी दोबारा जैसे ही हम घर पहुँचे रात में पहुँचे रात में तो कुछ नहीं कहा सुबह से ही हमने शुरू किया क्योंकि हमें करना था सर और लग रहा था अभी हमारी नॉलेज में बहुत बहुत ज़्यादा कमी है अगर हम करेंगे दोबारा तो कर लेंगे तो भैया ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन अम्मा हमें बताया ना वो कहती थी कि दोबारा तो फरमन नहीं लगता उसी में और फिर पढ़ाई फिर हमारे गांव में एक अंकल है उनके उनका जो लड़का है वो भी यही नीट की प्रपरेशन कर रहे थे लेकिन उनका एम बी बी एस में तो कॉलेज नहीं मिला उन्हें वेटनरी में हैं वो अभी तो उन्होंने ही बताया जब वो पहली साल आए और भैया ने नंबर भैया से नंबर पूछे उन्होंने तो और गाँव से तो वो कह रहे पढ़ाते जाओ लड़की को जब पढ़ रही है तो गाँव से हैं और ठीक ठाक है नंबर पहली साल में तो पता नहीं था पहले से तो हाँ हमारी अम्मा को गांव वालों को ज्यादा डर लगता था गांव वाले क्या सोच रहे हैं बच्चों के बारे में तो उन्हें लगा ठीक है गांव वाले ठीक सोच रहे हैं फिर तब से ज़्यादा ज्यादा मतलब ऐसा चिल्लाना बंद कर दिया था, फिर बैच था। हाँ सर पर बैच लिया था हमने यकीन टू पॉइंट टू फिर, फिर हाँ फिर इस बार कितना नंबर आया 587 फिर क्या हुआ घर पे फिर फिर से हो गई फिर फिर हमारे बगल में ही भैया है वो अभी वो भी जॉब करते हैं 587 पहली बार 420 दूसरी बार 587 और तीसरी बार 678 सर दूसरे साल हमारी भी गलती थी बीच में हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे हमारे लिए जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट था ना वो था सर टीवी हमें टीवी देखने का बहुत शौक था टीवी में डिश लगा था केबल हाँ सर क्या देखने लगे थे ये सीरियल्स देखने का शौक था मैं वो वैसे तो याद नहीं है सर और छूटे याद तो नहीं सर लेकिन याद है अरे याद होगा सीरियल तो याद रहते हैं जहाँ समय बर्बाद करता है इंसान <laughs> तो आ... बताओ सर याद नहीं आ रहा ना सर सावधान इंडिया नहीं सर सावधान इंडिया नहीं आता था वहाँ पर

हाँ वो कह रही थी ले लो जहाँ भी कॉलेज मिल जाता बी एम एस या बीटीएस मिल जाता वो कह रही थी ले लो फिर तीसरा अटेम्प्ट तीसरे अटैम्प में हमने कोई गलती नहीं की थी ये नाटक वाली हमने <laughs> कहा था तो बस अब तो यही है नहीं तो गई तुम्हारी तो जिंदगी भूत हाँ टीवी नहीं टीवी थोड़ा थोड़ा खाना खाते टाइम क्योंकि अम्मा की तो वो आदत नहीं गई थी ना सर <laughs> <laughs> लेकिन बस उतने टाइम जितने टाइम खाना खाया बस वो भी तक कंट्रोल करते थे खाना खाते तो सब नीचे ही देखते रहेंगे टीवी टाइम बहुत कम देखेंगे टीवी तरफ सो so दैट दिमाग में ना चढ़ेगा हाँ सर ऐसी कोशिश करते थे तो बस फिर और पढ़ते छत पे ही थे रात में वही चल रहा था अभी भी। अब वो कमरा सर ठीक हो, हाँ, हो गया था तो वही उसी कमरे में पढ़ाई करते थे, थे अच्छा खराब हुआ था उसे सही करवा दिया था ना पहली साल नीचे नहीं आता नहीं बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता कॉल भी नहीं हो पाती सर इस वजह से हम मैम का कॉल भी बहुत बार रिसीव नहीं कर पाते सर फोन ऊपर रखते थे दिक्कत है आपको कोई कॉल करे तो आपको तो पता नहीं चलेगा कॉल आ रहा है सर फोन को ऊपर रखते फिर जब कॉल आता नहीं सुनाई देता क्योंकि हम लोग रहते नीचे, फोन रहता जब जाते हैं देखते हैं तो फिर बैक करते तो आप क्या फोन ऊपर रखा फोन की तरह? हाँ, so that पता है कि किसका फोन। अगर नीचे रखेंगे तो, तो फोन आएगा ही नहीं ये आपके घर में, कि में ही है डाउनलोड नहीं करते थे, थे बस एस पी टू एक्स पर होता था कभी वो हम भैया का फोन ले लेते रात में <laughs> भैया का फोन ले लेते थे और हमारा डेटा हो जाता था और भैया का तो चल जाता था काम <laughs> भैया का भी रहा मतलब फोन कौन छोड़ता है <laughs> लेकिन बस क्या तो होते ही देते थे, थे रात में देखो तो रात में ही क्लासेस करते थे हम दिन में बाकी अपना रिविजन वगैरह ये सब कर लेती कितने दोस्त यार हैं आपके एक है जो मेरी बात होती है उससे फोन पे वो स्कूल की ही दोस्त है निशा नाम है उसका बस वो भी कभी कभी होती है उससे और गांव में नहीं है कोई इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी आप देखो बच्चों को आजकल सबसे ज्यादा उनसे पूछो तो कहते हैं हमारे दोस्त यार हैं उनकी वजह से हमारा ध्यान भटक जाता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है हमारी दोस्ती यारी बहुत है बड़ी खूबसूरत एक लाइन है इस पर कि जिनको विरासत में सिर्फ गरीबी आती है उनका साथ दोस्ती से ज़्यादा किताबें निभाती है और आपके ऊपर एकदम सही ये लाइन जा रही है ना दोस्त यार ना कुछ पर आप हंसते रहते हो मैंने देखा है yes, जीवन में इतने दर्द हरद कुछ नहीं मस्त एकदम अम्मा ने ये किया वो किया सर हमने पी डब्ल्यू पर जितने भी बच्चे देखे हैं लास्ट ईयर भी एक उत्तर तो प्रदेश के बच्चे का वीडियो आया था उसकी मम्मी खाना बनाती थी स्कूल में सुरेश हाँ, सुरेश की नाम हाँ। था कुछ तो उस बच्चे का वीडियो देख के हमने देखा इसके स्ट्रगल के सामने मेरा तो कुछ भी नहीं है हाँ। <laughs> मेरा स्ट्रगल तो बहुत ही कम है बिल्कुल हाँ। ना के बराबर है अभी कई लोग को यही लगेगा <laughs> एसी वाले रूम में बढ़िया वाईफाई कनेक्शन है देख रहे होंगे लैपटॉप पे ये वीडियो <laughs> चिप्स खाते हुएंगे मेरा स्ट्रगल तो कुछ नहीं है मतलब हमने जितने भी वीडियोस वैसे क्योंकि सर पी डब्ल्यू में वैसे बच्चे जितने भी वीडियोस देखे उन सब से हमें लगता था हमारा स्ट्रगल इन सब से बहुत कम है अगर हमने नहीं किया तो मतलब बहुत बेकार हो जाएगा और कुछ ऐसा करना है सो दैट हम अपनी अम्मा के लिए दादी तो चली गई दादी के लिए तो कुछ भी नहीं कर पाए अम्मा के लिए तो कुछ करना है बाद में कोई अगर हम कुछ करना चाहे अम्मा के लिए तो कोई बाद में रोक टोक ना लगाए इस काबिल बनना है बस तो यही था और एक मोटिवेशन पिताजी के ना होने से माता जी पे भी समाज का बहुत दबाव रहता हो बहुत ज्यादा और इनिशियली तो बहुत ज्यादा था अब तो फिर भी इस तरीके का माहौल बन गया गांव में इस वजह से मेरी अम्मा ऑर्डर थी कि बच्चों के बारे में कोई गलत ना सोचे या ये सब Hmm. तो इस वजह से इनिशियली क्योंकि उन्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना खुश है? है अम्मा हाँ अभी खुश भी है दुख भी है क्योंकि हमें बाहर जाना हाँ अब तो हाँ, गांव छोड़ना पड़ेगा भाई तो इस वजह से वो बहुत दुखी है <laughs> बहुत ही ज्यादा खुश से ज्यादा दुखी है वो <laughs> अम्मा अभी भी खेत में काम करते हैं अब नहीं करती है सर क्योंकि अब वो उतना नहीं कर पाती घर का ही अब भाई करते हैं हाँ भाई करते हैं अब भाई की डेरी है अब भाई।, भाई की डेरी है और वो पैसा काम पड़ता तो खेती का काम भी करते हैं जैसे अब वो घर को खेती करने लगी। दो खेत हैं। लेकिन बार बहुत हो इस वजह तो भाई भाई तो से खेत तो डले ही है अब फिर सर्दियों तो से चाय भैया कर लेते हैं क्या बात है अब जा रहे हो सोचते थे पहले कभी इमेजिन करते थे ऐसा वीडियोस देखते होगे लोगों को ऐसा लगता था हमने जब सर नीट शुरू किया था तो वो भी बीएमएस के लिए सोच के किया था कि हम बीएमएस में एडमिशन ले लेंगे नीट करके लेकिन जब धीरे-धीरे सोच बढ़ी तो सोचा जब कार्य रहे तो थोड़ा और मेहनत करो सो दैट एमবিবিएस में पहुंच जाए तो अब वहीं से फिर और क्या सपना है अब सर यही पहले तो एमडीबीएस करना है उसके बाद यूपीएससी सोच रहा है लेकिन फिर वो बात में डिसाइड अभी इतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है हमने सर कि पर्टिकुलरली मेडिकल लाइन में ही जाना है या फिर तो डॉक्टर बनके आपको पैसे नहीं कमाने अभी घर के लिए ऐसा नहीं है सीधा सर कमाने है सो दैट कि लाइफ चल जाए बस इतना कमाना है पर आप कह रहे हो यूपीएससी की तैयारी करने का भी सोच रहे हो हाँ सोच तो रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है मेरी अम्मा को लगता है कि डॉक्टर अम्मा मतलब, को लेके आना चाहिए था अम्मा से बात करने बहुत सर दिक्कत क्या थी कि हम भी ज्यादा बाहर नहीं निकले हैं गांव से और अम्मा अम्मा तो और भी ज्यादा वो हमें ऑर्डर आ देती रास्ते में दे <laughs> तो, इस वजह से हम क्योंकि एक ही गाजेने लागते तो अम्मा जानती हैं हम लोग को हाँ सर आप लोग को जानती हैं अम्मा क्या बोलती थी आते वक्त कुछ नहीं बस अच्छे से जाना यही बोली भी खाते रहना <laughs> खाते तो नहीं हो आप बिल्कुल भी खाते तो रहना चाहिए पर बता रहा हूँ मैंने यहाँ बहुत से बच्चों का इंटरव्यू किया बहुत से बच्चों की ऐसी भी कहानी सुनी जिनके ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियाँ हैं मतलब कोई यहाँ आता है उसकी ज़िंदगी में दिक्कत है गरीबी है किसी की ज़िंदगी में माँ बाप का ना होने वाला दुख है किसी के यहाँ पास शरीर का कोई भाग सही से काम नहीं कर रहा है ऐसे दुख हैं तुम्हारे भी पिताजी नहीं हैं कहीं ना कहीं गरीबी का माहौल गांव का माहौल गांव की पहली महिला डॉक्टर बनने जा रही हो पर तुम जिस हिसाब से पूरे इंटरव्यू में बैठी थी जिस हिसाब से तुम हंसती रही जीवन को इंजॉय कर रही हो मैं एकदम फ़ैन हो गया तुम्हारा बेटा एकदम फ़ैन हो गया मैं इस बात से जिस मतलब जिंदा दिल्ली से तुम ये इंटरव्यू दे रही थी और जिस जिंदा दिल्ली से तुम जिंदगी जीती हो हंसते हुए मम्मी से लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते हुए जो ज़िंदगी जी रही हो बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये समय निकल जाएगा जीवन एक बार मिला है तो जिन हालातों में आप रह रहे हो उन हालातों में आपको खुश रहना सीखना चाहिए और साथ में संघर्ष करते रहो कि जीवन में और बेहतर करें पर उस समय को खराब मत करो कि उस समय आप हर समय आंसू बहा रहे हो हाँ वो कभी कभी जो तो आपने बोला ना कि आपने बाकी लोग का इंटरव्यू देखा तो आपको लगा कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है हाँ सर उन लोगों से हमें लगा बहुत अच्छी है क्योंकि मतलब जैसे हम लोग हमें ओ एम आर सीट चाहिए रात से मिल जाती निकल जाती तो भैया को बोल दिया तो वो निकलवा लेंगे ये सारी दिक्कत नहीं होती थी तो एम आर सीट की प्रैक्टिस हमने बहुत की थी हर टेस्ट में हम फेल करते थे वो तो ये सारी दिक्कत नहीं होती थी मुझे पेन कॉपी ये सब भैया ला के देते थे और वो लेट भी हो जाते थे उन्हें ध्यान भूल जाती थी तो फिर हम अम्मा को कहते थे फिर अम्मा उनको कुछ सकती थी जाते थे, थे तो ये सारी दिक्कत नहीं थी कि ये सब हमें ही संभालना है कुछ लोगों का तो है कि सब कुछ नहीं देखना होता है अपना जिस तरीके से तो हमें लगता था इनसे तो बहुत बढ़िया ही है हम तो हम क्यों नहीं कर सकते हमें तो करना ही है मतलब हर किसी को ना थोड़ा सा थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहिए हर इंसान को जीवन में उसको सब कुछ मिला हाथ पांव काम कर रहे हैं और खाने को खाना मिल रहा है इंसान ना इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होता ना भगवान को ना समाज को ना सृष्टि को और हमेशा शिकायत करता रहता है कि मेरे दोस्त के पास अच्छा फ़ोन है मेरे दोस्त के पास बड़ा घर है उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं मेरे पास कुछ नहीं है एक तरफ वो शिकायत करेगा और ये नहीं देखेगा कि जीवन में ऐसे भी इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो भुखमरी से मर रहे हैं और उसको इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है और दूसरी तरफ वो संघर्ष भी नहीं कर रहा है किन हालातों से बाहर निकले आप मैं देख रहा हूं कि आप हंसते हंसते संघर्ष भी कर रहे हो किन हालातों से आपको जीवन में बाहर निकल के आना है सर भैया और सर पी डब्ल्यू की वजह से ही तो पाए मतलब हमें ऐसा लगता है अगर पीडब्ल्यू मतलब हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है क्योंकि जो कभी मतलब लोगों ने बस यही बताया था बचपन से कि जब हमने बायो ली ना सर एलेवेंथ में तो हमें क्या बोला गया था कि बायो तुमने इसलिए ले ली ताकि सब लोग हमें होशियार गए बल्कि मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं क्योंकि हमें हिस्ट्री सिविक्स जो है हिस्ट्री की जो वियर्स वगैरह लर्न नहीं होते थे होम साइंस थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी इस वजह से हमने बायो ली थी पता नहीं था तो तो लाइन में आप सब कुछ बोलना बोलना असल में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी इसलिए बायो लिया था नहीं सर हमने इसलिए क्योंकि सब लोगों ने ये बताया था डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है बहुत ज्यादा नहीं हाँ सर यही बताया था तो छोड़ ही दिया था कि वो नहीं कर सकते अगर हाँ। पीडब्ल्यू है तो डॉक्टर बनने के लिए हाँ कड़ी मेहनत जब हमें ये, ये पता, पता चला पीडब्ल्यू के लिए पीडब्ल्यू के बारे में तो हमें लगा मेहनत की जरूरत है बाकी सब तुम्हारे पास है तो आपको एक गिफ्ट तो दिया जाए भाई वो निकालना नीट पीजी वाला सब्सक्रिप्शन अपना तो जैसे कॉलेज में आप जाओगे तो जितनी भी पढ़ाई होगी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की एमबीबीएस की थर्ड ईयर की इन सभी की क्लासेस हमारे यहाँ चलती रखा है तो नहीं है ना नहीं अभी कोई बैच नहीं हमने किया लेकिन इंस्टॉल कर लिया उसका बहुत अच्छा किया और <laughs> और सारे बैच का का एक्सेस आपको फ्री में देते हैं साल ये मेडिट का प्रमोशन होता हुआ थोड़ा सा फोटो खींचती हुई प्रमोशन होता हुआ हम लोग हंसेंगे थोड़ी स्माइल आपकी भी <laughs> पूजा यार तुमसे बात करके बहुत ही मजा आया तो तुमको पांच साल का हम लोग कोर्स देते हैं इसका तो वो तो सही है लाओ भाई अब मिठाई खाइ जाए हाँ ऑफिस में देख रहे हो कितनी कितनी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं गांव में लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं तुम्हारे जाके बताना फोटो खिंचवा सबके साथ दिखाना क्या देखो पता नहीं क्या सुनी तुम्हारे अब धीरे धीरे समझ में कैसा एम्स रायपुर देखा है आ, सब, लेकिन सब बारिश हो रही थी तो पूरा नहीं देखा बस हॉस्टल कैसा है हॉस्टल फीस तो बहुत कम भी क्या है, के लिए, के लिए, पांच है। भी इसमें पाँच हजार में पाँच हजार आठ सौ छप्पन पाँच हजार में ट्यूशन फीस हॉस्टल फीस खाने का नहीं होगा खाने का है मंथली पे करना होता है पैंतीस सौ उसके बाद हजार रुपए सर रिफंडेबल भी है और तुमको पता है प्राइवेट कॉलेज में कितनी लगती है फीस हाँ सर कुछ लाखों करोड़ों में होती है सर लाख करोड़ में जीरो का अंतर पता है तुमको लाखों करोड़ों को एक साथ रख दिया हमने सब वैसा कुछ पर्टिकुलरली देखा एक नहीं एक प्राइवेट कॉलेज में लगभग मान लो लग कुछ बारह लाख से लेके सत्ताईस लाख के बीच में हर वर्ष की फीस होती है तो सत्ताईस तीस पैंतीस लाख भी तो आप मान के चलो पूरा एम होते होते कुछ एक करोड़ से सवा करोड़ डेढ़ करोड़ तक की फीस लगती है खैर इसमें खाना भी होता है आपको खाना भी मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूँगा बहुत से बच्चे पी डब्ल्यू पे मैसेज भी करते हैं स्कॉलरशिप के लिए भी कहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है तो आप हमें मेल करें बहुत से आपको ईजिली बहुत से बैंक देखो पी डब्ल्यू भी जितने बच्चों की मदद कर सकता है करता है पर बहुत सारे बच्चे हैं पर जैसे ही आप सरकारी कॉलेज में सेलेक्ट होते हो आपको लोन भी इजिली मिल सकता है खैर उसके बाद भी पीडब्ल्यू खड़ा है अगर लोन भी आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं हमारे लिए भी एक मोटिवेशन भी था सर ये एक मोटिवेशन थी हमारी अम्मा उनको देखते थे मतलब टेस्ट में कम मार्क्स आए तो सोचते थे कि आप क्या ही कर पाएंगे आप पूछा तुम नहीं कर पाओगे कुछ भी बैठ जाओ तुम तो लेकिन जब अम्मा को नीचे जाके अम्मा को देखते थे ये काम कर रही है इतना तो तो मोटिवेशन आ जाता दूसरा ये था पढ़ लो पूजा नहीं तो घर वाले साथ ही करवा देंगे <laughs> तो ये मोटिवेशन आ सर पूजा जैसी लड़कियां हम सभी को बहुत ढेर सारी प्रेरणा देती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने के लिए और साथ में हंसते रहने के लिए कि जीवन बहुत कीमती है और हमें हमेशा ये भी देखना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आर्थिक रूप से या बाकी रूप से भी हमसे भी पिछड़े हुए हैं और हमें एक बहुत बेहतरीन जिंदगी मिली है और इसलिए हमें हमेशा शुक्रमंद होना चाहिए भगवान का सृष्टि का और सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए मुझे बहुत अच्छा लगा पूजा से इतनी देर बात करके उम्मीद है आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा फिर से मिलेंगे जय हिंद